नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक। आप सभी का अपने YouTube चैनल आयुर्वेद संजीवन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य संबंधित नई जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, आयुर्वेद की महत्वपूर्ण चिकित्सा है ये क्षार सूत्र चिकित्सा। आप में से अधिकतर लोग इस चिकित्सा के बारे में जानते होंगे, अधिकतर लोग इस चिकित्सा को फॉलो भी किए होंगे, कराए भी होंगे और इसे लाभान्वित भी हुए होंगे। ऐसी स्थिति में दोस्तों, जो आयुर्वेद की महत्वपूर्ण सर्जरी विधा की यानी कि शल्य तंत्र की एक छोटी सी शाखा है, इसको मानने के चलिए, जिसको क्षार सूत्र कहते हैं। पारा सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंतर्गत क्षार सूत्र चिकित्सा आती है जो आयुर्वेद चिकित्सक के द्वारा परफॉर्म की जाती है। आयुर्वेद चिकित्सक ही क्षार सूत्र प्रक्रिया को कर सकते हैं। दोस्तों, तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, यानी कि आयुर्वेद चिकित्सा में ये क्षार सूत्र चिकित्सा है क्या, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं क्षार सूत्र चिकित्सा के बारे में। दोस्तों, आयुर्वेद के जो ब्रांच हैं, औषधि, पंचकर्म, औषधि चिकित्सा, पंचकर्म चिकित्सा और तीसरा जो ब्रांच है क्षार सूत्र चिकित्सा, यानी कि जहाँ पर शरीर का शोधन होता है, शरीर को जो अदर सारे डिसऑर्डर में हम औषधि चिकित्सा करते हैं, पंचकर्म चिकित्सा करते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे अपद्रव्य हैं जो हमारे शरीर में ग्रोथ करते हैं, वृद्धि का कारण बनते हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, ऐसी स्थिति में वहाँ पे जो चिकित्सा होती है वो क्षार की चिकित्सा होती है। क्षार दो तरीके से क्रिएट किया जाता है। क्षार, पहले हम जानेंगे क्षार सूत्र है क्या। क्षार सूत्र, अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्षार अलग हो जाएगा, सूत्र अलग हो जाएगा। क्षार का अर्थ होता है औषधि, जो हम औषधियों के विशेष प्लांट से विशेष उसका जो गुण होता है क्षारीय गुण, उसको निकाला जाता है, उसको क्षार कहते हैं। ऐसे में उस विशेष औषधि प्लांट में कई प्लांट ऐसे हैं, उसके दूध में उसका क्षार गुण होता है, फिर उसके प्लांट उसके पत्तियों में या उसके होल अंग में होता है, उसके रस में होता है, उसके चूर्ण में होता है। ऐसी स्थिति में जब हम उसका क्षार प्राप्त करने की विधि है, अलग अलग प्लांटों से, अलग अलग औषधियों से उसके क्षार निकालने की अलग अलग विधि है, बहुत टफ प्रक्रिया होती है। तो पहले उसका क्षार निकाला जाता है, जब क्षार निकल जाता है तो उसको अगर हम इंटरनली भी पान कराते हैं तो इंटरनली भी उसको दिया जाता है बहुत लो डोज में। वो आयुर्वेद चिकित्सक तय करेंगे कि आपके लिए क्षार इंटरनली देना है नहीं देना है, और एक्सटर्नली भी लेपन किया, जैसे कुछ ऐसे वृद्धि होती है, ऐसे घाव होते हैं, ऐसे एब्सेस होते हैं, वहाँ पे उसका लेपन भी किया जाता है, जो वहाँ पे उसको पका करके और उसको सुखाती भी है और काटने का भी काम करती है। क्षार का जो विशेष गुण होता है वो सुथग्न, यानी कि अगर स्वेलिंग वगैरह है उसको भी नीचे ले जाती है, गांठ जो होती है उसको गलाने का काम करती है, और लेखन करती है, क्यूरेट करती है, यानी कि एक तरह से जैसे होता है ना कि खोखला करना, काट काट के निकालना, ये उसको काटने का काम करती है, और व्रण रोपण यानी कि उस घाव को भरने में मदद करना, एक तरह से एंटीबायोटिक का पूरा रोल ये अकेला क्षार ही करता है। तो दोस्तों, पहले ये क्षार के गुण होते हैं, ये क्षार जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो फिर उसमें कुछ ऐसे व्रण होते हैं, जैसे नाड़ी व्रण हो गया, जहाँ पे क्षार अंदर तक नहीं जाएगा, ऊपर से लगाने पे क्षार नहीं जाएगा, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, सूत्र जो एक विशेष धागा होता है 20 बार्बर थ्रेड उसको बोलते हैं, उस धागे के माध्यम से उस क्षार को हम अंदर तक पहुँचाते हैं, खासतौर से नाड़ी व्रणों में जहाँ पे साइनस होता है, एक अंदर से यानी कि यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और वो हुआ, जैसे कि फिस्टुला होता है, भगंदर होता है, फिस्टुला इनेनो जिसको कहते हैं, और पाइलोनिडल साइनस होता है, वो साइनस और भी कई स्थानों पे भी डेवलप हो सकता है। ऐसी स्थिति में जब वो क्षार अंदर तक हम ऐसे लगाएंगे तो बाहर ही जाएगा, लेकिन जब हम धागे के माध्यम से जाते हैं तो वो क्षार अंदर तक जाता है और उसके सारे व्रण को, सारे घाव को लेखन करके, क्यूरेट करके, काट करके, पका करके उसको निकालता है और फिर उस घाव को सुखाने में मदद करता है। ये सारे काम अकेला क्षार ही करता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों, जो क्षार होता है उसकी कोटिंग अलग अलग कोटिंग होती है। अगर मृदु क्षार बनाते हैं, मृदु क्षार सूत्र का निर्माण करते हैं, क्योंकि हर प्रकृति के व्यक्ति मौजूद हैं, यानी कि किसी का बल कम है, किसी का मध्यम है, कोई बलिष्ठ है, यानी कि आंतरिक शक्ति उसकी ज़्यादा है, उसी प्रकार से क्षार का प्रयोग किया जाता है। अगर मृदु बल यानी हल्के बल वाला व्यक्ति है तो ऐसे स्थिति में उसके में मृदु क्षार का उपयोग किया जाता है, मध्यम वाले में मध्यम क्षार, और जहाँ पे अगले की प्रकृति, मरीज की प्रकृति अगर बलिष्ठ है, ठीक है, वो क्षार के वेग को सहन कर सकता है, तो वहाँ पे हम तीक्ष्ण क्षार का उपयोग करते हैं, और ये निर्भर करता है आपकी डिजीज़ की सीवियरिटी पे भी, उसी के अनुसार चिकित्सक क्षार सूत्र की
तीक्ष्णता को तय करते हैं और उसी हिसाब से उसकी कोटिंग तैयार होती है। यानी कि अगर हमको तीक्ष्ण छार करना है, तीक्ष्ण छार लगाना है, तो ऐसी जो तीक्ष्ण औषधियाँ हैं जो जिनका स्वभाव उष्ण है, गर्म है, उनकी कोटिंग थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है, ज़्यादा कोटिंग किया जाता है, और जो मृदु छार रहते हैं उनकी कोटिंग कम कर दिया जाता है। और अगर हमको छार में मृदुता लानी है तो वहाँ पर उष्ण वीर्य वाली औषधियों की कोटिंग कम कर दी जाती है या नहीं की जाती है, और दूसरे जो मध्यम छार और मृदु छार वाली औषधियाँ हैं उनकी कोटिंग बढ़ा दी जाती है। ऐसी स्थिति में दोस्तों ये छार सूत्र का निर्माण होता है। वो कोटिंग करके अलग अलग एक कोटिंग किए फिर सुखाते हैं, फिर एक कोटिंग किए सुखाते हैं। इस छार सूत्र की निर्माण विधि बहुत टफ होती है। आगे कभी किसी वीडियो के माध्यम से उस निर्माण विधि के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज का जो विषय है छार सूत्र है क्या, इसके बारे में जो हम विषय चला रहे हैं आपको बता रहे हैं, इसके बारे में हम जान रहे हैं। तो वही कोटिंग करके उसके धीरे धीरे कोटिंग करके कई दिन निर्माण क्रम में लगते हैं। फिर जब वो कोटिंग सूख जाती है फिर उसको ड्रायर करके फिर उसका पीएच निर्धारण करते हैं। पीएच का अर्थ होता है जो हमारे शरीर की एक मानक शक्ति होती है, एक क्षमता होती है, सबका अलग अलग होता है। तो बॉडी पीएच यानी कि मानव शरीर के पीएच से छार सूत्र का जो पीएच होता है उसको बढ़ा के रखा जाता है, क्योंकि आपका जो बल है उस बल के अनुरूप जो आपको रोग हुआ है वो आपका शरीर उसको मैनेज नहीं कर पा रहा, ठीक नहीं कर पा रहा। ऐसी स्थिति में उस रोग की तुलना में जब तक इस क्षार का पीएच हम ज़्यादा करके नहीं बनाएंगे, ज़्यादा निर्माण नहीं करेंगे, तब तक उस प्रकार का रोग आपके शरीर को छोड़ेगा नहीं। इसलिए उस पीएच का निर्धारण किया जाता है, उसकी तीक्ष्णता का निर्धारण करके फिर उसको स्टरलाइज करके तब प्रयोग में लाया जाता है। तो ये होता है क्षार सूत्र। और क्षार सूत्र इसी तरीके से जो नाड़ी व्रण होते हैं, भगंदर होता है, जहाँ पे एक घाव का मुख जो है आपके शौच के रास्ते से बाहर की ओर है और एक मुख जो है उसको आप एनल कैनल के अंदर, पैखाने के रास्ते के अंदर, ऐसे में वो नॉर्मल सर्जरी जो सामान्य सर्जरी होती है उससे भी वो क्योर नहीं होता है। रिकरेंसेस यानी कि दोबारा उत्पन्न होने की संभावना बढ़ी रहती है। ऐसी स्थिति में दोस्तों क्षार सूत्र यानी कि जो नाड़ी व्रण की चिकित्सा के लिए क्षार सूत्र की उपयोगिता आचार्य सुश्रुत ने बताई है, भगवान धन्वंतरी के शिष्य थे आचार्य सुश्रुत, तो इन्होंने जो क्षार सूत्र की उपयोगिता इसकी बताई है, तो जो क्षार सूत्र होता है उस धागे के माध्यम से उस क्षार को हम अंदर तक ले जाते हैं और फिर वो एनल कैनाल से निकलता है, बाहर निकाला जाता है, ताकि जब वो क्षार अंदर नाड़ी व्रण में पड़ा रहता है तो धीरे धीरे उस नाड़ी व्रण में यानी कि जो ट्रैक होता है उसको धीरे धीरे क्यूरेट करता है, यानी कि काटने का काम करता है, उसको काटता है, पकाता है, सुख और निकाल के बाहर करता है, ड्रेन करता है, यानी कि जितने अपशिष्ट हैं, डेड सेल्स हैं, खराब टिश्यू हैं, सड़े हुए पदार्थ हैं, उनको बाहर निकालता है। और फिर अगला पार्ट फिर क्षार सूत्र का जाता है, वो हीलिंग भी करता है, यानी कि आपके घाव भरने में मदद करता है क्षार सूत्र। यानी कि एक तरह से तीनों काम, उसको पकाना, पक्को करना, काटना और सुखाना, ये तीनों काम अकेले क्षार सूत्र ही करता है। इसलिए एनोरेक्टल डिसऑर्डर में खासतौर से जहाँ पे आपका पुअर हाइजीन है, सबसे ख़राब स्थान होता है एनोरेक्टल, क्योंकि शौच आना जाना स्वाभाविक है वहाँ पे, ऐसे में वो शौच आपके उस व्रण से उस घाव में जाता रहता है, जिससे वजह से उसकी हीलिंग प्रॉपर नहीं होती और ठीक से आप उसकी साफ सफाई भी कितनी भी रखें तब भी वहाँ पे सबसे पुअर हाइजीन होता है। इसलिए ऐसे स्थानों पे गुदागत रोगों में खासतौर से क्षार सूत्र की उपयोगिता बढ़ जाती है। तो ये क्षार सूत्र है जिसकी वजह से नाड़ी व्रण, फिस्टुला इनेनो, पाइल्स जो बवासीर होता है, चाहे वो किसी प्रकार का एनी टाइप ऑफ बवासीर हो, खूनी हो, वादी हो, थ्रम्बोस पाइल्स हो, बहुत सारे विकार डिफरेंशियल डायग्नोसिस गुदा मार्ग में आते हैं, फिसर वाली कंडीशन हो जहाँ पे आपके सोच पे व्रण हो जाता है, घाव बन जाता है और बार बार वो चीज़ें आपको परेशान करती है, ऐसी स्थिति में भी क्षार सूत्र की उपयोगिता बढ़ जाती है। पाइलोनिडल साइनस PNS उसको बोलते हैं, यानी कि स्पाइनल यानी कि नीचे आपके पीछे की ओर, लोअर बैक की ओर एक ऐसा नाड़ी व्रण बनता है जिसको साइनस कहते हैं, जो अंदर अंदर घाव बनाता है। नाजल पॉलिप या कुछ ऐसे व्रण खासतौर से मांसांकुर वगैरह डेवलप हो जाते हैं, आपके स्किन पे वृद्धि हो जाती है, जिसको बोलते हैं मस्से बढ़ गए हैं सामान्य स्किन पे भी, उसको भी क्षार सूत्र से ही रिमूव किया जा सकता है एकदम आसानी से। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्षार सूत्र का उपयोग होता है वो एनोरेक्टल डिपार्टमेंट होता है, शौच वाले रास्ते पे, जहाँ पे आप बवासीर, भगंदर, फिशर और भी एनल पॉलिप वगैरह जो भी है इस प्रकार की कंडीशन पे खाने के रास्ते संबंधित, तो उसमें क्षार सूत्र सबसे बेहतर वर्क करता है। ऐसे स्थिति दोस्तों अधिकतर लोग क्षार सूत्र कराए भी होंगे, इसके लाभ के बारे में जानते होंगे, थोड़ी बहुत दिक्कतें स्वाभाविक होती हैं कि रहती हैं, लेकिन क्षार सूत्र की जो उपयोगिता है
हमारे बॉडी के हिसाब से, शरीर के हिसाब से और एनोरेक्टल डिपार्टमेंट में, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज का जो विषय था दोस्तों, क्षार सूत्र है क्या, इसके बारे में आप जान गए हैं। आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे क्षार सूत्र किस प्रकार के रोगों में कैसे कैसे, अगर फिस्टुला है, बगंदर है, बवासीर है या अदर डिसऑर्डर है, उसके बारे में धीरे धीरे आपसे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि मैं ऑलरेडी क्षार सूत्र का वर्क करता हूँ, पंचकर्म और क्षार सूत्र, ये दोनों चिकित्सा हमारे सेंटर पे होती हैं और हम इस चिकित्सा को फॉलो करते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों क्षार सूत्र के बारे में आप जान गए हैं। अगर आप एनोरेक्टल डिजीज से पीड़ित हैं, पैखाने के रास्ते से पीड़ित हैं, जहाँ पे आपको दिक्कतें होती हैं, ऐसी स्थिति में ऐसा स्थान है, ऐसा मार्ग है, तो आप हिचकते हैं, चिकित्सक के पास नहीं जाते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है दोस्तों, जो अदृश्य रोग है, जहाँ पे आप प्रत्यक्ष उसको देख नहीं सकते हैं, उसकी पीड़ा को आप किसी से कह नहीं सकते हैं, ऐसी स्थिति में दोस्तों ज़रूरी है कि आपके नज़दीक में कोई भी प्रॉक्टो सर्जन है या क्षार सूत्र वाले चिकित्सक हैं, तो आप उनसे मिलें, उस रोग की डायग्नोस कराएं और उसके हिसाब से अपना ट्रीटमेंट कराएं। क्योंकि सबसे ज़रूरी है दोस्तों डायग्नोसिस, अलग अलग कैटेगरी होती है, अलग अलग चिकित्सा होती है, इसलिए दोस्तों उसको एक्सपर्ट से दिखा कर ही तभी कोई अदर औषधि का सेवन करें और उनके सलाह के अनुसार ही फॉलो करें। दोस्तों आज का जो विषय था, क्षार सूत्र चिकित्सा है क्या, इसके बारे में चर्चा हो गई है। अगर आपके मन में किसी प्रकार के कोई सवाल है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से वो सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, दूसरे लोगों को शेयर करें, अवेयर करें, जागरूक करें, इस खासतौर से इस क्षार सूत्र चिकित्सा के बारे में जाने, लोग जाने, अवेयर हों और अपने रोगों को खुलकर सामने लेके आए, चिकित्सक से मिले और उसके अनुसार चिकित्सा फॉलो करें। तो दोस्तों इसी के साथ आज का विषय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।